जिला कांगड़ा में 3-4 माह से कोरोना के चलते अधिकतर गतिविधियां बंद हो गई थी, लेकिन अब अनलॉक होने के बाद बहुत सी विकासात्मक गतिविधियां अब चल पड़ी हैं। इसी कड़ी में अनलॉक 1 में पहली बैठक खंड विकास अधिकारियों के साथ की गई। विभिन्न विकास खंडों में चल रही विकासात्मक गतिविधियों को बैठक में रिव्यू किया गया। ये बात डीसी कांगड़ा राकेश प्रजापति ने खंड विकास अधिकारियों के धर्मशाला में आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही। उन्होंने कहा कि मनरेगा समग्र पर हमारा फोकस है, जिसके तहत बाहर से आए लोग जिनकी नौकरी छूट गई है उन्हें व्यक्तिगत कार्य दिए जा रहे हैं। ऐसे लोगों के हाथ में पैसा कैसे आए इस पर ध्यान दिया जा रहा है। डीसी ने कहा कि जिला में एक टारगेट तय किया गया है कि आगामी 15 दिनों के भीतर 5,000 ऐसे व्यक्तिगत कार्य हों जो कि पंचायत स्तर पर शुरू किए जा सकें। इसके अलावा 25 करोड़ के लगभग ऐसे कार्य हों जो कि मनरेगा समग्र के तहत चलें। हमारा प्रयास है कि जो भी लोग बाहरी राज्यों से नौकरी छूटने पर वापस घरों को लौटे हैं, उनके जॉब कार्ड बनवा कर उन्हें काम उपलब्ध करवाया जा सके। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले 3-4 महीनों से कोरोना को लेकर काफ़ी एक्टिविटीज़ जो थी बंद हो गई थी, और अनलॉक 1 के बाद जो हमारे डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ हैं वो चल पड़ी हैं, और जो सबसे बड़ी जो संख्या होती है इन एक्टिविटीज़ की वो होती है हमारी पंचायतों में। और इसीलिए आज पहली बैठक कोरोना के बाद अनलॉक 1 में वीडियोज़ के साथ की गई, और पंचायतों में चल रही गतिविधियाँ जो ब्लॉक्स में हमारी गतिविधियाँ चल रही हैं उसको आज मॉनिटर में उसको रिव्यू किया गया। फोकस हमारा ये था कि मनरेगा समग्र नाम से हमने एक जो स्कीम चलाई मनरेगा के तहत जो इंडिविजुअल वर्क्स हम लोगों को दे रहे हैं, खास करके उन लोगों को जो लोग बाहर से आए हैं जिनका जॉब लॉस हुआ है, ऐसे लोगों को उनके हाथ में कैसे पैसा जाए, उनके वर्क्स कैसे हों, उसके ऊपर फोकस किया गया। और साथ ही साथ जो एक टारगेट हमने दिया है कि आने वाले 15 दिनों के अंदर लगभग 5,000 ऐसे वर्क्स हों जो इंडिविजुअल वर्क्स हों जो हम पंचायत स्तर पर शुरू कर सकें, और लगभग 25 करोड़ के आसपास के ऐसे वर्क्स हों जो मनरेगा समग्र के अंदर चलें। पूरी कोशिश है कि जितने भी लोग बाहर से आए हैं जिनको जॉब लॉस हुआ है उनको काम मिल सके, उनको जॉब कार्ड उपलब्ध करा के उनको काम दिया जा सके। साथ ही जो हमारे पुराने जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना है, मुख्यमंत्री आवास योजना है, और हमारे अन्य जो स्कीम्स हैं उसमें जो कार्य थे वो रुक पड़े थे, और आज जो दिशा निर्देश वीडियोस को दिए गए हैं वो यही हैं कि जल्द से जल्द इन वर्क्स को शुरू करवाया जाए। और पंचायतों में जो डेवलपमेंट के ऊपर एक लगाम सी लग गई थी कोरोना की वजह से वो हटाए जा सके और काम को शुरू करवाया जा सके।